अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में जबर वाले हर्फ की मश्क के सात हर्फ को हमने पढ़ा था। प्यारे बच्चों, ता जबर तो, रा जबर रो, तो रो से लेकर फा जबर फो, एन जबर ओ, लाम जबर लो, फो लो तक हमने हर्फ को पढ़ा, लिखा और समझा। प्यारे बच्चों, आज हम इससे आगे के सात हर्फ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कौन सा हर्फ देख रहे हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है? हर्फ को समझना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हर्फ को समझेंगे। तो यहाँ पर काफ और काफ के ऊपर जबर लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? काफ जबर क, सीन जबर स, बा जबर ब। तो किस तरह हम पढ़ेंगे हर्फ को? काफ जबर क, सीन जबर स, बा जबर ब, क स ब। इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह आगे का हर्फ भी हम पढ़ेंगे। कौन सा हर्फ है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कौन सा हर्फ है? वाव जबर व। तो हमें इसी तरह वाव जबर व, वाव जबर व, कॉफ जबर क, बा जबर ब, वाव जबर व, कॉफ जबर क, बा जबर ब, व क ब। इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है। सबसे पहले हम हर्फ को समझेंगे, उसी के बाद हम एराब को समझेंगे और फिर पढ़ेंगे हम हर्फ को। एराब को समझ कर पढ़ना है। इसी तरह प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा हर्फ है? एन जबर अ, एन है और उसी के ऊपर जबर लगा हुआ है, तो हमें पढ़ना है एन जबर अ। इसी तरह बा जबर ब, सीन जबर स, तीनों हर्फ के ऊपर जबर लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले हर्फ को समझा और उसी के ऊपर जबर लगा हुआ है, तो हमें एन जबर अ, बा जबर ब, सीन जबर स, अ स। इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है। इसी तरह प्यारे बच्चों, आगे का हर्फ भी हम समझकर पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव जबर व, लाम जबर ल, दाल जबर द। वाव जबर व, लाम जबर ल, दाल जबर द। इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना होगा। इसी तरह आगे का हर्फ भी हम समझ कर पढ़ेंगे। वाव जबर व, सीन जबर स, कॉफ जबर क, वाव जबर व, सीन जबर स, कॉफ जबर क, व स क। इसी तरह हमें हर्फ और एराब को समझ कर पढ़ना है। इसी तरह ये कौन सा हर्फ है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर खा और खा के ऊपर जबर है, तो हम पढ़ेंगे खा जबर ख, लाम जबर ल, कॉफ जबर क, काफ जबर क। तो हमें खा ख, लाम जबर ल, कॉफ जबर क, काफ जबर क, ख ल क क। इसी तरह हमें हर्फ को समझकर पढ़ना है। इसी तरह आगे का हर्फ भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव जबर व, वाव जबर व, जिम जबर ज, दा जबर द, काफ जबर क, वाव जबर व, वाव जबर व, जिम जबर ज, दाल जबर द, काफ जबर क, व व ज द क। सबसे पहले हमने हर्फ को समझा और हर्फ के ऊपर जबर लगा हुआ है, तो हमने सबसे पहले हर्फ और एराब को समझना है। अगर हमें हर्फ और एराब समझ में आ जाएंगे तो हम आसानी से हमारे सबक को पढ़ सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर बाकी के जो सात हर्फ थे, कसब से लेकर तक के हर्फ को हमने यहाँ पर पढ़ा, हर्फ और एराब को समझा। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में एक हर्फ को दो दो मर्तबा क्या करना है? लिखना है, पढ़ना है और हर्फ को समझना है। प्यारे बच्चों, हमें हमारी नोटबुक में एक हर्फ को दो दो मर्तबा लिखकर हमारा होमवर्क करना है। तो ये था हमारा आज का सबक। आगे के सबक में हम इंशाल्लाह जेर वाले हर्फ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।